नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन पर जो है सभी जो है अपनी बहनों को जो है गिफ्ट देते हैं, तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट सजेस्ट करूंगा जिनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट लवर है, अगर आप उसको प्लांट गिफ्ट करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो रक्षाबंधन पे आप कौन कौन से प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, गुड लक प्लांट, जैसे कि आप मनी प्लांट है वो गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जो कि घर में रखा भी अच्छा लगता है और उसको गुड लक भी माना जाता है। इसकी केयर करना भी आसान है और इसको जो है प्रोपोगेट भी करना आसान है। अगर आपने एक प्लांट दे दिया तो वो जैसे ग्रो करेगा वो उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। जेड प्लांट भी लकी प्लांट माना जाता है, ये भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। जेड प्लांट को ग्रो करना भी उतना ही आसान है। जेड प्लांट को जब ग्रो करें तो सिर्फ आप धूप में रखें उसको और पानी जो है वो कम दें, उसके बाद आपको कोई स्पेशल केयर की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ऐसे ही धूप में रखिए, सिर्फ पानी ज़्यादा ना दें। इस तरह से और भी काफ़ी प्लांट्स आते हैं, लेकी बैम्बू है वो आप दे सकते हैं। नंबर दो, प्लांट्स फॉर फ्रेश एयर, आप कुछ ऐसे प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपके सिस्टर जब उसको घर पर लगाए तो घर की जो हवा है वो शुद्ध हो जाए। तो आप कुछ एयर प्यूरीफाई प्लांट, कुछ ऑक्सीजन देने वाले प्लांट जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। आप स्नेक प्लांट है वो गिफ्ट कर सकते हैं, जो हमें जो है ऑक्सीजन देता है और इसे ब्राइट लाइट में लगाया जा सकता है, यानी कि अगर आप इंडोर इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने रूम में या बेडरूम में कहीं पे भी रखेंगे ये वहीं पे ग्रो हो सकते हैं। स्नेक प्लांट जो है दो कलर में आते हैं, एक तो ग्रीन कलर का आता है, एक येलो जो लाइनिंग से होती है वो होता है। तो आप दोनों भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं रखे हुए। इनकी केयर करना भी आसान है और इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अगर चाहें तो। स्पाइडर प्लांट भी आप ले सकते हैं, ये भी हवा को शुद्ध कर देता है और ये भी एज ए गिफ्ट प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है। इसको टेबल टॉप पे रख सकते हैं, इसको आप जो है हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। बाकी बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं और उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर तीन, गिफ्ट फॉर नेचुरल फ्रेग्रेंस, आप कुछ ऐसे प्लांट भी गिफ्ट करें जिन प्लांटों में जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आए, आसपास का वातावरण है खुशबू से भर जाए। इसके लिए आप जैस्मिन का प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, जिसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब उसे आप घर पर लगाते हैं तो खुशबू से जो है पूरा घर जो है महकने लगता है। आप चाहें तो जो गंधराज है उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिसके पत्ते जो है बहुत ही चमकदार और अच्छे होते हैं, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। साथ ही इसमें जो है फूल है वो भी काफी अच्छा आता है और खुशबू बिखेरता है। मोगरा को भी आप ऐड कर सकते हैं, मोगरा भी एक अच्छा ऑप्शन है। मोगरे की खुशबू तो काफी प्रचलित है, मोगरे के फूल जो है दो दिन फूल अगर गिर जाते हैं तो उनको उठाकर एक पानी का बर्तन ले उसमें डाल दें तो भी काफी खुशबू फैल जाती है। नंबर चार, प्लांट फॉर गुड हेल्थ, आप अपने सिस्टर को या किसी को भी जब गिफ्ट दें तो ऐसे प्लांट भी जरूर ऐड करें, जैसे कि हर्बल प्लांट्स, ताकि वो उनसे जो है कुछ आयुर्वेदिक उपचार कर सके, अपनी सेहत का ध्यान रख सके। इनके लिए आप जो है एलोवेरा प्लांट है वो गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें काफी चीजें होती है जो कि आपकी दिनचर्या में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका जेल का ही उपयोग कर सकते हैं, इसका जूस है वो पिया जा सकता है, अगर कुछ कट जाए या जल जाए तो वहां पे लगाया जा सकता है। तो बहुत ही काम का ये प्लांट है, ये प्लांट आप गिफ्ट कर सकते हैं, जो कि दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। तुलसी जी का प्लांट भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है। तुलसी जी का आपको बता दूं, अगर घर के आंगन में हम लगाते हैं, तुलसी जी से जो महक जो होती है वो आपकी हवा को शुद्ध करती है, तो तुलसी काफी अच्छा प्लांट है, ये आप गिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी चाय जो है वो पीकर सर्दी जुकाम जो है वो दूर किया जा सकता है। नंबर पांच, प्लांट फॉर डेकोर होम, आप कुछ ऐसे प्लांट भी दे जिससे कि आप जिनको दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप आपके सिस्टर को दे रहे हैं तो वो कुछ अपने रूम को, अपने घर को जो है अच्छे से डेकोरेट कर सके, तो कुछ डेकोरेटिव प्लांट जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। डेकोरेटिव प्लांट के अंदर जैसे कि आप बोनसाई है वो गिफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बड़े बोनसाई गिफ्ट करें। बोनसाई के अंदर एक वैरायटी आती है, मामे बोनसाई बोलते हैं जिनको, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो वो गिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ सकुलेंट प्लांट जो है या कैक्टस प्लांट है वो गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और डेकोरेटिव प्लांट है। आप चाहें तो अगर आप सिस्टर हैं तो आप अपने भाई को भी दे सकते हैं, राखी के साथ में प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने सिस्टर को कौन से प्लांट गिफ्ट करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको जो है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।